सो गाइज, अगर आपका बजट करीब 9,000 रुपये के आसपास है और अगर आप एक अच्छा सा स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं जो कि फुल वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करवाए और जिसमें अच्छी स्पेक्स हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं 9,000 रुपये की कीमत में आने वाले टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में। और गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि ये जो 3 स्मार्टफोन्स हमने कंसिडर किए हैं, ये इनके प्राइस के साथ साथ इनकी स्पेक्स और बाकी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पर 9,000 रुपये के अंदर आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन्स में हमने नंबर 3 पर रखा है इन्फिनिक्स के S5 स्मार्टफोन को। ये जो फ़ोन है वो करीब 9,000 रुपये की कीमत पर आता है, जहाँ पर आपको इसका 464 वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छी स्पेक्स देखने को मिलती है, जैसे कि 6.6 इंचज की बड़ी IPS LCD डिस्प्ले 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ। इसके अलावा फ़ोन का जो लुक और डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। फ़ोन में आपको ग्लास की बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है और साथ ही पंच होल डिज़ाइन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फ़ोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है, जिसमें 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ़ोन की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा भी 32 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है। फोन 4000 mAh की दमदार बैटरी के साथ आता है, जो कि 10 वोल्ट की नॉर्मल चार्ज सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 और साथ ही ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है। यह फोन मीडियाटेक हीलियो P22 चिपसेट के साथ आता है। यहाँ पर आप गेमिंग भी काफी अच्छी कर पाएंगे, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफी अच्छा होने वाला है। सो यह था इन्फिनिक्स का S5 स्मार्टफोन, जो कि 9,000 रुपये के अंदर एक काफी अच्छी चॉइस साबित हो सकता है। अब बात करते हैं 9,000 रुपये के अंदर आने वाले सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन की। यहाँ पर हमने रखा है Realme 5i स्मार्टफोन को। अब ये जो फ़ोन है वो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और यह फ़ोन Realme 5 को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च किया गया था। यह भी 9,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर आता है। इस कीमत पर आपको इसका 464 वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचज की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 यूज किया गया है, जो कि 11nm टेक्नोलॉजी पर बना है। इस चिपसेट की मदद से आप काफ़ी हैवी गेम्स भी बिना किसी प्रॉब्लम के खेल सकते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। इस फ़ोन में भी डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आप 2 सिम कार्ड्स और 1 माइक्रो एसडी कार्ड आसानी से यूज कर पाएंगे। फ़ोन की अच्छी बात यह है कि यह 5000 mAh की एक दमदार बैटरी के साथ आता है। यहाँ पर आपको 10 वोल्ट का नॉर्मल चार्ज सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। फ़ोन की दूसरी जो मेन हाईलाइट है वो इसका कैमरा सेटअप, जो कि है क्वाड कैमरा सेटअप। यहाँ पर आपको 12+8+2+2 मेगापिक्सल काउंट के साथ 4 कैमरा देखने को मिल जाते हैं, जिनके चलते आप काफ़ी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। फोन का जो रियर पैनल है वहाँ पर आपको सनराइज डिज़ाइन देखने को मिलता है और साथ ही स्ट्रिप्स भी देखने को मिल जाती हैं, इसके चलते फ़ोन काफ़ी प्रीमियम फील होता है। सो यह था Realme 5i, जो कि 9,000 रुपये के अंदर दूसरा सबसे अच्छा स्मार्टफोन कहा जा सकता है। और गाइस, अब फाइनली बात करते हैं इस सेगमेंट पे आने वाले सबसे बेस्ट स्मार्टफोन की। तो यहाँ पर मैंने पर्सनली चूज़ किया है रेडमी के Note 7s स्मार्टफोन को। अब ये जो फ़ोन है वो ऑलराउंडर फ़ोन कहा जा सकता है। यहाँ पर आपको बैटरी, लुक एंड डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, कैमरा, डिस्प्ले सब तरह से यह फ़ोन काफ़ी परफेक्ट है। इसकी स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.3 इंचज की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती है। यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। फ़ोन ग्लास की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है और फ़ोन के दोनों ही तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, तो यह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा यहाँ पर चिपसेट की बात करें तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट मिल जाता है, जिसमें आपको क्रायो 260 वाले कोर्स देखने को मिल जाते हैं। इस फ़ोन की जो मेन हाईलाइट है वो है इसका कैमरा सेटअप। यह फ़ोन 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आता है। इसके अलावा यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी मिल जाता है। साथ ही सेल्फी की बात करें तो यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी यूज किया गया है। फ़ोन में 4000 mAh की दमदार बैटरी भी मिल जाती है, जो कि क्विक चार्ज 4 के सपोर्ट के साथ आती है, यानी कि फ़ोन में आपको 18 वोल्ट की फास्ट चार्ज सपोर्ट देखने को मिल जाती है USB टाइप सी पोर्ट के साथ। तो यह था रेडमी का Note 7s स्मार्टफोन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है 9,000 रुपये के सेगमेंट में। सो गाइस, ये थे टॉप 3 स्मार्टफोन्स जो कि आप 9,000 रुपये के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अनुसार 9,000 रुपये के अंदर आने वाला कोई और अच्छा स्मार्टफोन कौन सा हो सकता है। हमको जो कमेंट सबसे अच्छा लगेगा हम उस कमेंट को पिन कर देंगे। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर स्मार्टफोन से रिलेटेड और सम कंटेंट डालते रहते हैं।
हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।